हॉलीवुड टू बॉलीवुड एंड फ्रॉम बॉलीवुड टू साउथ इंडस्ट्री क्या है अपकमिंग मूवीज के फ्रेश एंड न्यू अपडेट फैंस की किन फेवरेट फिल्मों की रिलीजिंग डेट आ गई है सामने आई गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट दीडियो वॉचिंग बजू का रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अलमा सिद्दीकी न्यूज फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री फॉर यू गाइस रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए है खुशखबरी जल्द सामने आएगा कुबेर का पोस्टर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जो इन दिनों सभी की फेवरेट बनी हुई हैं तो वहीं पुष्पा टू में भी वो श्रीवली के तौर पर हमें नजर आने वाली हैं जिसे देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ऐसे में एक्ट्रेस एक और अपकमिंग फिल्म कुबेर में भी नजर आने वाली है जिसे लेकर एक अपडेट सामने आया है ऐसा बताया जा रहा है की फिल्म का पोस्टर जल्द ही रिलीज हो जाएगा और डेट भी सामने आ गई है फिल्म का पोस्टर पाँच जुलाई रिलीज कर दिया जाएगा साउथ इंडस्ट्री से ही ट्रेंडिंग मूवी की अपडेट आपके लिए कल की 2898 एडी के सीक्वल पर नाग अशिन ने दिया बड़ा बयान आपस में भिड़ेंगे तीन बड़े सितारे कल की 2898 एडी को रिलीज हुए एक हफ्ते पूरे हो गए हैं और फिल्म अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है जहां पर डायरेक्टर नाग अश्विन की भर भर की तारीफे की जा रही है और हाल ही में नाग अश्विन ने सीक्वल को लेकर एक अपडेट दिया है उन्होंने ये भी कहा है कि सीक्वल की पच्चीस से तीस दिन की शूटिंग भी कम्प्लीट हो गई है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है और दूसरी ओर उन्होंने सीक्वल को लेकर एक ट्विस्ट भी बताया है उन्होंने कहा है कि मेन लड़ाई तीन लोगों के बीच में होने वाली है जिसमें करण सुप्रीम यास्किन और अश्वथामा शामिल हैं साउथ इंडस्ट्री से ही पवन कल्याण के लिए है ये न्यूज एक्टर पवन कल्याण ने दिया बड़ा बयान क्या पॉलिटिशियन बनने के बाद फिल्मों से लेंगे संन्यास साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण अब एक्टर से पॉलिटिशियन बन गए हैं और वो आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी सीएम हैं ऐसे में वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं वहीं दूसरी तरफ उनके जो फैंस हैं ये जानने के लिए बेताब है कि जब वो पॉलिटिशियन बन गए हैं तो क्या वो फिल्मों में काम करेंगे या फिर नहीं तो ऐसे में उन्होंने फैंस को जवाब देते हुए कहा है कि पहले तो मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ और जो भी वक्त बचेगा मैं उसमें फिल्मों की शूटिंग करूँगा इस मूवी की अपडेट है धोनी के फैंस के लिए री रिलीज हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी सिनेमा लवर्स एंड क्रिकेट लवर्स के लिए इन दिनों बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है जहां एक तरफ भारत ने वर्ल्ड कप जीता है वहीं दूसरी तरफ थिएटर्स में भी धमाल मचा हुआ है और ऐसे में धोनी एक बार फिर से हमें बड़े पर्दे पर नजर आने वाले है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी जो एम एस धोनी की बायोपिक है उसे थिएटर्स में फिर से रिलीज किया जा रहा है यह खबर जानने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और आपको बताते चले कि इस फिल्म को 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के थिएटर्स में आप आराम से देख सकते हैं वन मोर फ्रेशन न्यू अपडेट फ्रॉम बॉलीवुड फॉर यू गाइस और कहा दम था की नई रिलीजिंग डेट आई सामने फैंस हुए एक्साइटेड बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तबू की अपकमिंग फिल्म और कहा दम था के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पहले इस फिल्म को 5 जुलाई को रिलीज किया जाना था लेकिन मेकर्स ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म को कलकी की, की वजह से डीले किया गया है और अब फिल्म की नई रिलीजिंग डेट से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है पहले मेकर्स ने यह प्लान किया था कि इस फिल्म को जुलाई के सेकंड वीक में रिलीज किया जाएगा लेकिन अब उन्होंने ये डेट भी चेंज कर दी है और ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म को 2 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा ये खबर है लक्ष्य के फैंस के लिए फिल्म किल से डेब्यू नहीं करने वाले थे लक्ष्य दोस्ताना टू में आने वाले थे नजर जी हाँ इन दिनों लक्ष्य लालवानी जो अपनी फिल्म किल को लेकर काफी ज्यादा लाइन लाइट पटोर रहे हैं और उनकी ये फिल्म आज रिलीज हो गई है और इसी के साथ साथ इस फिल्म में राघव को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं लक्ष्य लालवानी की डेब्यू फिल्म किल नहीं होती बल्कि कुछ और होने वाली थी दरअसल करण जौहर ने ये बात सोची थी की वो दोस्ताना टू का सीक्वल बनाएंगे और इसका अनाउंसमेंट उन्होंने दो में किया था जिसमें उन्होंने लक्ष्य के साथ जानवी कपूर को लेने के लिए सोचा था लेकिन किसी वजह से इस फिल्म को डिले कर दिया गया था ये न्यूज है प्रभास के फैंस के लिए कल की के बाद अपकमिंग है प्रभास की कई सारी फिल्में मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर धमाल आफ्टर कल के ट्वेंटी एट प्रभास को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और उनकी कई सारी फिल्मों की लिस्ट भी सामने आ गई है अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट सालडो की शूटिंग दस अगस्त ऐसी शुरू की जाएगी इसके बाद प्रभास की एक और फिल्म स्प्रिट भी कमिंग सून है जिसमें वो हमें एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर नजर आएंगे डायरेक्टर हनु राघोपुरी की एक और फिल्म आने वाली है जिसमें हमें प्रभास नजर आने वाले हैं हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है इसके बाद डायरेक्टर मारुति की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म द राजा जो एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसमें हमें प्रभास दिखाई देंगे तो ये थी दिन भर की तमाम छोटी मोटी खबरें पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें